इसीलिए फोन किया कि आपसे वक्त लेके आऊं और पहली बात ये पूछूं, हुआ क्या, ये मसला क्या है? मम्मा है, मेरा ख्याल है वो किसी ने मुझे कल फोन करके कहा कि भाई वो हमारे रिश्तेदारी होती है इनके साथ, मानिका शानिका इनकी शांति के साथ, और ये जो मोहतरमा है इनके पास दो जिन हैं दो जिन हैं, सारे काम उनसे लिए जाते हैं वगैरह। हो सकता है जिन ने काबू कर लिया आपके लीडर को इस तरह अगर होने लगे और जिन्नात करने लगे तो जिन को हमारे लीडर और वो याउ नतन जो है उसको क्यों ना काबू करें। हाँ बिल्कुल, अगर जिन्हों ने इसे काम चलने हैं दुनिया के, वो ये जो कल परसों से जो भी सोशल मीडिया पे मजाक बना हुआ है, मतलब पीपल आर डिस्कसिंग द टॉपिक, तस्वीरें भी, वो जो मैंने मुफ्ती साहब को कहा कि आपकी चप्पल भी बड़ी बदनाम हो गई है, तो वो सारा कुछ जो चल रहा था, तो किसी ने ट्वीट किया कि ये मतलब पीरनी साहिबा इतनी वो पहुंची हुई हैं कि खान को पूरा यकीन है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर बना के बना, मतलब वज़ीर आज़म बनने का अब वीज़ा पक्का हो गया है। तो मैंने उसके ऊपर एक ट्वीट की, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, एक मैंने कहा कि अगर उनकी जो पीरनी के जो वो कमालात हैं या जो उनका कह रहे हैं कि बड़ी पहुंची हुई हैं, तो अगर वो इतनी पहुंची हुई थी तो वो खावर मानिका को प्राइम मिनिस्टर, किसी ने कहा ना खावर मानिका क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, अगर वो इतनी पहुंची हुई थी। मैंने कहा खावर मानिका प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, चेयरमैन FBR ही लग जाता क्यों। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत सारे पीर हमें मिलते हैं, वो कहते हैं जी राय हम आपको ये कर देते हैं, आप सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे, हम आपको ये कर देते हैं, आपको फलां सेक्रेटरीशिप मिल जाएगी, आपको हम ये तवीज़ कर देते हैं, आप फलां जगह के डिप्टी कमिश्नर लग जाए। भाई आप लोग खुद अपने लिए क्यों नहीं ऐसा कुछ कर लेते कि पीरों के डिप्टी कमिश्नर आप लग जाए, क्यों नहीं? तो ये इस तरह की चीज़ें मुझे तो खैर नहीं कभी समझ आती कि मानिका फैमिली के हमेशा ताल्लुकात जनूबी पंजाब में सिखों के साथ रहे, मशरकी पंजाब में। अच्छा, सिखों के साथ, सिखों के साथ, ये सिखों ही की जमीनें थी जो मानिका फैमिली ने खरीदी थी जब तकसीम हुई वो ताल्लुकात तो रहे होंगे ना पार्टीशन से पहले, तब तक हैं सिखों से, मगर इनकी ये मोहतरमा की जो फैमिली है वो तो वट्टू लोग हैं, वट्टू। हाँ जी, वो तो वट्टू से, वो काड़ा के है ना ये। इनके भाई कहते हैं कि पंजाब में हमसे बड़ा जमींदार कोई नहीं था, इतने 100 गांव थे, लेकिन नईम साहब चले जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन इसके सियासी असरात कुछ अच्छे नहीं पड़े, बहुत नुकसान पहुंचा। यार मुफ्ती साहब के लिए कुछ जूस वूस ऑर्डर किया? मैंने कहा कावा पिएंगे, मैं कह रहा हूं। हां कावा बिल्कुल, यू वांट सम टी? नहीं आई एम गुड थैंक यू, यू श्योर? आप कुछ और लेंगे? नहीं मैंने अभी जूस भी पी लिया, थैंक यू, आप लोग लें। नहीं तो सियासी असरात होगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं पर सियासी असरात ठीक नहीं पड़े, और वल्लाहु आलम एक शख्सियत का तजिया मतलब मैं कर सकता हूँ या नहीं, इस काबिल हूँ या नहीं, लेकिन बात निभी नहीं। अच्छा, हाँ बात इस एतबार से नहीं निभी कि पब्लिक में जाए ना, आम लोगों में जाए और मजहबी लोगों में जाए, किसी तकरीब में जाए तो सब ने बड़ा बुरा तासुर किया, जो जितना जो जितना इनकी मोहब्बत में फरूज पे था वो उतना ही जिल्लत में गया। असल में एक जो जो जाहिर इल्जाम आ रहा है कि इन्होंने एक शादी तोड़वाई, ये बहुत बड़ी, अगर वो मोहतरमा की 30 साल तक शादी थी तो उन्होंने तलाक किस बुनियाद पर ली? शादी में बज़ाहिर कोई दरार नज़र नहीं आ रही थी, मगर जब उन्होंने तलाक ली तो कोई वजह होती है ना, तो क्या वो वजह ये थे? इमरान खान ने उनको प्रपोजल दिया था कि भाई मैं कोई ऐसी बात की थी? मुझे बात इल्ज़ाम आया ना, बहुत से लोगों ने कहा क्या खुद आपके जो करीब इर्द गिर्द रहते हैं कि इज्जत में ही निकाह क्यों पढ़ा जी, मैं भी ये क्वेश्चन करना चाह रही थी। मैंने कहा मैं बड़ी संजीदगी से आपसे कहता हूँ कि दुनिया में कभी ऐसे हुआ है कि किसी ने निकाह पढ़ाना हो, पढ़ना हो तो जाके पूछे बीबी से? हाँ। ये बातें खवातीन की होती है, हाँ। वो हमसे बेहतर जानती है, हाँ। कभी नहीं होता कि कोई जाके पूछे कि जी अब फलाकनामा दिखाइए, अच्छा इज्जत गुजरी है, अच्छा क्या हुआ है, अच्छा आप पाक हैं क्या, कोई नहीं पूछता, शर्म हयात की बात होती है, खवातीन अपने मसाइल खुद जानती है।
अच्छा मैं मुफ्ती साहब यही जनरल एक बात अभी आपने शुरू कर दी है, मैं ये पूछना चाह रही थी बज़ाहिरन अक्सर हमारे मुशाहिदे में चूँकि लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये बात आती है कि कभी किसी भी बीबी या बच्ची की सेकंड मैरिज या निकाह जब होने के लिए बैठ होता है तो जो निकाह खान होते हैं या मौलवी साहब वो ज़रूर ये पूछते हैं कि अच्छा बच्ची शादीशुदा है, बेवा है, कंवारी है, तलाक़ याफ्ता है, ये क्वेश्चन करते हैं ना मुफ्ती साहब। अच्छा उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन ये भी होता है कि अच्छा तलाक को या बेवा हुए हुए कितना टाइम हुआ है, इद्दत पूरी हो चुकी है तो वो जो लड़की की तरफ के लोग होते हैं वो ज़रूर इस बात पे हाँ या ना में जवाब देते हैं, लेकिन ये एक आम प्रैक्टिस है, मेरा अपना मेरा ज़ाती कुक, उसने बच्ची की शादी की, वहाँ से उसको डिवोर्स हो गई, उसने उसकी सेकंड जब शादी कर रहा था तो मैंने उसको वो तलाक वो जो निकाहनामा था वो सारा मैंने देखा और उसने ये सारी चीज़ें उसमें लिखी थी और हमने वी वेंट थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस कि हाँ जी पहली तलाक कब हुई थी, इद्दत पूरी हो गई है, अब दूसरी शादी करनी है, बड़ा सोच समझ के करना, ये नहीं कि इद्दत के अंदर कर दो तो दूसरा कोई पर्चा ना कर दे उसका पहला खावन, उस तरह का ना वो थोड़ा झगड़ा टाइप उनका हो गया था। तो ये मैं उसको ये बात समझा रही थी अपने कुक को। हम लोग तो और फिर ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पब्लिक फिगर्स हैं और ऑलरेडी बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि एक चीज़ को एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन तीन मरतबा क्रॉस चेक करना चाहिए और इन चीज़ों को अश्योर करना चाहिए था कि इस तरह की कोई चीज़ ना हुई हो, इसलिए कि अब हर चीज़ आपकी पब्लिक है, हर चीज़ डिस्कस हुई है, हर चीज़ डिस्कस हुई है, तो क्या ये सोच पहले नहीं थी आप लोगों में या खान के पास या बीबी के पास? अब अच्छा। क्या काम है? ठीक है हाँ नहीं बस वे खातून अपने मुंह से कहती है कि मेरी इद्दत गुजर चुकी और उसका शौहर भी कहता है हाँ हाँ ये सब चीजें हो गई, फिर क्या हक बनता है मेरा कि मैं आपको नहीं तलाक के पेपर्स लाओ मुझे दिखाओ? लेकिन मुफ्ती साहब फिर यहाँ पे एक और फिर बात आ जाती है ना कि नॉर्मली अगर पब्लिक में कहीं पे ये हो तो वहाँ पे औरतें संसार कर दी जाती हैं कि जी आपने अभी इद्दत पूरी नहीं की और आपने दूसरी शादी कर ली, दूसरा निकाह तो होता नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल लीगली इस्लामी कानून के मुताबिक। फर्ज कीजिए मीडिया में कहूँ तो ये पूरा ड्रामा बन जाए, ड्रामा क्या बन जाए मुफ्ती साहब, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, मौलवी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये तो आपकी इंटीग्रिटी। मैं किसको बता सकता हूँ मुझे ये कहा गया, मैंने कहा ठीक है इतबार की, बिल्कुल इतबार ही है, इतबार ही है बिल्कुल, लेकिन ये तो मैं अचानक आया हूँ और नईम साहब अगर फर्ज कीजिए कहते हैं कि ये मेरी अहलिया है तो मैं पूछूंगा कि आप निकाहनामा दिखाओ जी, मैंने नईम साहब का इतबार करना है कि कह रहे हैं ठीक है आप क्यों करते हैं, हाँ जी कितने बड़े आदमी की गलत बयानी से काम लेंगे, क्यों बचा कोई कुछ, लेकिन हमें तो नईम साहब से थोड़ा सा शिकवा है क्या कि आपने क्यों नहीं रोका इन चीजों, रोका मुझे इल्म ही नहीं था, उनको पता होगा उनके फरिश्तों को इल्म नहीं था। मुफ्ती साहब इमरान खान से मेरी 35 साल पुरानी दोस्ती नहीं है। ये जो चीज है इसमें फरिश्तों का होना जरूरी नहीं है, नहीं इमरान इमरान ने मुझसे कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, ये जो पीर मुरीदी और मजार पे जाके कब्रों को चूमना उमना ये मेरे बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ, और इमरान से एक दफ़ा मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने कहा यार ये तुम क्या हो गया तुमको, ठीक है फातिहा पढ़ना अलग चीज़ होती है मगर जाके क्योंकि ये जब ये गए वो तस्वीर आ गई थी आपको शायद याद होगा, मैंने आपसे बात किया मैं समझता ठीक है जा रहे हैं जाए ज़ईफ़ुल एतक़ादी है करें, मगर मुझे ये नहीं पता था कि शादी तक बात पहुंच जाएगी, ये किसी को भी नहीं पता था सिवाय उनके सिवाय खान के और बुशरा के उनकी बेगम के। अच्छा ये पता उनको भी पता है ऑन साहब को पता ऑन को तो ये पता था जान आना जाना था बाद में पता चला, बुशरा का बेटा एक दिन मैं मिला उससे खान के घर पे आया हुआ था 20 साल की उम्र होगी उसकी, मैंने कहा ये कौन है, मैंने कहा बेटा क्या नाम है, कह लो फलाना मानिका और ये वो, मैंने कहा अच्छी थी तो मैं समझी मैंने कहा मगर शादीशुदा औरत फैमिली मुझे ये नहीं मैंने सोचा भी नहीं कि खान साहब उसकी तैसे तलाक होगी ये होगा, खान ने जिक्र नहीं किया मैंने भी नहीं पूछा,
कि अगर वो बताना होता तो खुद ही बता देता। मुझे तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप हजरात इतना एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, आप पे एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, हम जैसे बजाहिर शरीफ लोग जैसे भी वहां तक पहुंचते हैं, बनी गाला के करीब कोई नहीं भटक सकता, और आप ही को ना बताओ कि खान साहब क्या कर रहे हैं। उसकी वजह मैं ये इंसानी फितरत है कि अगर आप अपने किसी करीबी दोस्त या चाहने वाले से आपके एक एक ताल्लुक है और आप कोई आपके दिल में एक एक चोर है और कोई गिल्ट फीलिंग है कि आप एक गलत काम करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं जो मेरा दोस्त जो है, मेरा साथी जो है, इसकी मुखालफत करेगा तो उसको बता देंगे। ये इंसानी फितरत, जिक्र ही नहीं करते। हाँ, उसी की बात है।